सहारनपुर लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार शाम को चुनाव प्रचार थम गया है। मतदान के लिए आज 2708 पोलिंग पार्टियां जनता रोड स्थित सेंट्रल वेयर हाउस परिसर से सुबह 7 बजे से रवाना होना शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। जनपद के टोहासिज 1976 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का निर्णय करेंगे। सहारनपुर जिले में कुल 7 विधानसभा है, जिसमें से बेहद, सहारनपुर नगर, सहारनपुर देहात, देवबंद और रामपुर मनिहारण विधानसभा क्षेत्र, सहारनपुर लोकसभा 0-1 सीट में आते हैं, जबकि नकुड़ और गंगोह विधानसभा सीट कैराना लोकसभा क्षेत्र में शामिल हैं। सहारनपुर लोकसभा सीट पर 18,55,310 मतदाता हैं, जबकि कैराना लोकसभा सीट में आने वाले 2 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं की संख्या 67,66,66 है। जनपद के 2,708 मतदेय स्थलों पर कल मतदान होगा। इनमें से 746 क्रिटिकल मतदेय स्थल हैं। मतदान को सुचारू कराने के लिए जिले को 22 जोन और 216 सेक्टर में बांटा गया है। चुनाव को स्वतंत्र, पारदर्शी एवं शांतिपूर्वक कराने के लिए 1377 मतदान स्थलों पर वेबकास्टिंग कराई गई है। जनपद में सुरक्षा की दृष्टि से करीब 17,000 जवानों की तैनाती की गई है, जिसमें 40 कंपनी अर्धसैनिक बलों को भी लोकसभा चुनावों में लगाया गया है। लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग बूथ तैयार कर लिए गए हैं। आज सुबह 7 बजे से पोलिंग पार्टियां जनता रोड स्थित वेयर हाउस परिसर से मतदान केंद्रों के लिए रवाना होनी शुरू हो चुकी है। सहारनपुर लोकसभा सीट पर 1,850 मतदाता हैं, जबकि कैराना लोकसभा सीट में आने वाले 2 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं की संख्या 7,786 है। जनपद के 2,708 मतदेय स्थलों पर मतदान होगा। इनमें से 746 क्रिटिकल मतदेय स्थल हैं। मतदान को सुचारू कराने के लिए जिले को 22 जोन एवं 216 सेक्टर में बांटा गया है। चुनाव को स्वतंत्र, पारदर्शी एवं शांतिपूर्वक कराने के लिए 1,377 मतदेय स्थलों पर वेबकास्टिंग कराई जाएगी। जनपद में सुरक्षा की दृष्टि से 17,000 जवान तैनात रहेंगे। लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग बूथ तैयार कर लिए गए हैं। आई सुनते हैं डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह, जिलाधिकारी सहारनपुर, का क्या कहना है। बोल सर, मतदान होने वाला है, पोलिंग पार्टी यहाँ से रवाना हो रही है, क्या स्थिति है, कैसी व्यवस्था की है? प्रथम चरण का चुनाव मतदान कल होना है, 19 अप्रैल 2024 को। आज जनपद सहारनपुर से 01 सहारनपुर संसदीय क्षेत्र और आंशिक कैराना, नकुड़ और गंगो की पार्टियां यहां से रवाना हो रही हैं। हमारे अधिकारियों ने, BLO ने बहुत परिश्रम करते हुए वोटर लिस्ट को तैयार किया है और कल वह समय है जब सभी मतदाता अपने मत का नैतिक प्रयोग करेंगे। 2708 पार्टियां हैं हमारी और 22 जोन हैं, 216 सेक्टर हैं। सभी बूथों पर AMF की फैसिलिटीज़ दी गई है और इस बार हम लोगों ने थोड़ा अलग हटके ये किया है कि ड्राइवर और क्लीनर, उनको कल भी भोजन कराया और आज दिन में, क्योंकि गर्मी का समय है, हमने RO वाटर, चिल्ड RO वाटर सप्लाई कर रहे हैं। साथ ही गुड़ की व्यवस्था की है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश का सहारनपुर गुड़ बाहुल्य क्षेत्र है और इसके गुड़ के खाने से लू नहीं लगेगी, एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा और एक मन में उत्साह रहेगा। तो हम क्लीनर और ड्राइवर और कार्मिकों के लिए भी अपनी ओर से थोड़ी मात्रा में गुड़ भी करा रहे हैं। बूथों पर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। अब 50% बूथों पर वेबकास्टिंग है। 743 क्रिटिकल बूथ हैं। उन क्रिटिकल बूथों पर CRPF की भी रहेगा, वेबकास्टिंग हो सकती है, माइक्रो ऑब्जर्वर हो सकता है, किसी ना किसी एक मेजर से उसको आच्छादित किया गया है। अगर EVM मशीनों में खराबी की प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? प्रयास तो यही है कि खराबी ना हो, लेकिन मशीन है, उसके लिए हमारे मास्टर ट्रेनर हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट को रिजर्व से EVM दी जा रही है, जैसे ही कोई ऐसी सूचना मिलेगी वह तत्परता से बूथ पर जाकर उसका समस्या का निराकरण। कितनी विकल्प में मशीनें रखी है? हर सेक्टर मजिस्ट्रेट को एक एक मशीन दी है और एक्स्ट्रा तहसील में भी है। इंटरमीडिएट स्ट्रॉन्ग रूम आज से और कल तक के लिए बना है तहसील में, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में EVM की व्यवस्था है। और कई बार हम लोगों ने
परिश्रम करके ईवीएम की एफएलसी फर्स्ट रैंडमाइजेशन सेकंड रैंडमाइजेशन कमिश्निंग में जो ईवीएम ख़राब थी उसको भी चेंज किया है, तो संभावना कम है लेकिन फिर भी मशीन है, उसके निपटने के लिए हमें पर्याप्त हमारी व्यवस्था। अगर कोई गड़बड़ी करता है मतदान में? मतदान में अगर गड़बड़ी करेगा तो उसके लिए जो विधिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और बिना किसी कठोरता के साथ कार्रवाई की जाएगी।